दोस्तों देखो हमारी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों देखो कितनी कितनी बढ़िया कतरियां आए, इसको इस तरीके से काट कर इसको हम लोग देखो अभी आपको दिखाते हैं। उछल दोस्तों, ये उछल आई है। दोस्तों देखो कितनी बढ़िया कतरियां बनी है। देखो दोस्तों कितनी बढ़िया कतरियां आए, देखो अच्छी लग रही है दोस्तों। हाय दोस्तों, कैसे हो? नए ब्लॉग में स्वागत है। आशा है हम लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोग नए जुड़े हों तो दोस्तों जो नीचे बटन दबा है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारी जो भी वीडियो है आप तक की पहुंचती रहे। दोस्तों तो आज के ब्लॉग में दोस्तों बताते हैं कि बर्फी कैसे बनाई जाती है। दोस्तों तो हम खाना खाते रहेगा। चलो भाई साहब इधर देखो पानी इसमें डालकर, और इसमें देखो ये 2 किलो इसमें चीनी डाली है। पानी में इसे खूब घोटते हैं, घोटते रहिएगा। और मतलब आगे की कार्रवाई आप लोग देख सकते हैं, वीडियो चालू है। और दोस्तों आप लोग जितना चाहे इसमें खोया डाल सकते हैं, जिस हिसाब से आपको मीठा रखना है, फीका रखना है, उसी हिसाब से खोया डाल सकते हैं। खोया मम्मी डाल रही है, घर का खोया, इसीलिए कोई अंदाज नहीं है, थोड़ा भी है ज्यादा भी है कोई दिक्कत नहीं। तौल के डालो भाई। देखो दोस्तों इसमें खूब खोया डाल के इसे जितना भी आप कंचुली को चलाते रहिएगा, उसी हिसाब से बढ़िया बनेगी और गोरी गोरी मिठाई होगी बहुत। दोस्तों इसमें 1 किलो से ज़्यादा खोया हो गया है, और धीरे धीरे चूल्हे को बजाना है जिससे तरी पे ना लगे। तरी पे लग जाएगी तो मिठाई काली हो जाएगी, इसीलिए देखो बहुत कम थोड़ा थोड़ा बजाना है, ठीक है। और इसे खूब घोटो, जितना घोटोगे उस हिसाब से बढ़िया बनेगी। तो देखो जब माता जी खोया डाल लेंगे इधर, और काफ़ी है, कल मेहमान लोग आएंगे उनके लिए इधर ये इतना है। मतलब आज इसकी खोया भी इसी चाहो आप कतरियाँ भी बना सकते हो, या गुंजिया में बनाने के लिए उसमें काम आएगा, जो भी चाहो। दोस्तों देखो मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है, इसे खूब घोटा है और देखो बिल्कुल सही हो गई। इसमें जो मसाला डालते हैं जिससे सफ़ेद मिठाई बनती है, कोई पाउडर है जी सफ़ेद मिठाई करने वाला। मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है, ले आओ भाई जल्दी जल्दी। देखो दोस्तों इधर ये थाली आ गई है, इसमें तेल लगाएंगे, इसी में जब आई जाएंगी जिससे बात हो जाए, चिकन ही रहा थोड़ी और का उछले आ गई। देखो दोस्तों इतनी थालों में जमाई जाएगी, लगा बड़े दोस्तों। इसमें घी कर रहे हैं जी, थालू में लगाएंगे आराम से तरी पर, तेजी में मिठाई जमाई जाएगी जिससे आराम से मिठाई मतलब कतरियाँ जो काटी जाएंगी वो आराम से उछल सकें, इसीलिए जो इसमें घी डाले जाते हैं। और दोस्तों हमारी वीडियो एंड तक ही देखना है। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाई सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारी जो भी ब्लॉग बनाते हैं तो आप तक की जल्दी पहुंचे। ये कौन सी मिठाई खा रहे हैं भाई, बता दो कौन सी मिठाई है चिरैया। दोस्तों आपके इधर चिरैया पाई जाती है, बोलने वाली है, खाने वाली है, हमारे गांव में देखो खाने वाली है ये मिठाई है जी। भाई देव इसी दूर है भाई, लग रही है खा सकते हो चाहते। बस दोस्तों देखो इसमें घी लगा दिया है, इसी में हम करेंगे, बस काट लेंगे सूखे की थोड़ा।
बन के तैयार हो जाएगी, फिर आप मतलब खा सकते हो इसको, या गुजिया में मतलब फोर के गुजिया में मिला सकते हो, कुछ भी जैसा आप चाहो वैसा हो सकता है। चलो भाई वीडियो तैयार करें। देखो मम्मी थालो ने देखो घी लगाए लो, तो इसको कब गुजिया गुजिया बने हो, बर्फी बने हो। दोस्तों हम लोग मतलब दो तीन महीनों में एक आध बार जमा लेते हैं, मतलब घी थोड़ा बहुत दूध होता है तो इसी के जमा लेते हैं, ठीक। मतलब नहीं होता तो कोई बात नहीं। दोस्तों हमारी मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है, अब की बताना दोस्तों हमारी मिठाई कैसी लगी कैसी नहीं लगी। पहले बनाया था तो वो मतलब थोड़ी अच्छी नहीं थी, इस बार में बहुत बढ़िया बनी है। इसको ज़्यादा घोटोगे उतना ही बढ़िया बनेगी, सफ़ेद बिल्कुल सफ़ेद है। तो गांव की दोस्तों ये बर्फा है, इसे इस मिठाई को बर्फा बोला जाता है, आपसे बनाइए देखो जी, इसका नाम बर्फा है। आपको जिस लोगों को चाहिए हो तो दोस्तों हमारा नंबर 8868073253 नंबर है दोस्तों, इस पर कमेंट करिएगा और बताइएगा जिसको चाहिए है, ठीक है। देखो दोस्तों मिठाई जमकर रेडी हो चुकी है, बनकर इसको जमाएंगे अब। दोस्तों मम्मी जी हमारी 5-6 थरियाँ लाएँ, जब बनी तीन में जमगा जाए, मोटी मोटी रहेगी, बढ़िया रहे। देखो दोस्तों मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है हमारी, जम गई है थालों में। कौन बुआ आई? दोस्तों मेहमान आ चुके हैं हमारे घर पर। हाँ दोस्तों हमारी मिठाई बनकर देखो रेडी हो चुकी है, इसको काटेंगे, ठीक है। काट के बाद मतलब कतरनियाँ बन जाएंगी, बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना मत भूलिएगा। इधर ये बैब क्या कह रहे हैं देखो उधर, कमेंट करो सब्सक्राइब करो, जो से बोलो कमेंट करो सब्सक्राइब करो। नो 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 दोस्तों देखो हमारी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों देखो कितनी कितनी बढ़िया कतरियां हैं, इसको इस तरीके से काट कर इसको हम लोग देखो अभी आपको दिखाते हैं उछेल। दोस्तों ये उछल आई है, दोस्तों देखो कितनी बढ़िया कतरियां बनी है, देखो दोस्तों कितनी बढ़िया कतरियां हैं, देखो अच्छी लग रही है दोस्तों। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे कोई भी वीडियो बनाए आप तक की जल्दी पहुंचे, ठीक है। दोस्तों अगली ब्लॉग में मिलते हैं, जब तक की धन्यवाद।